आइए अगला सवाल देखें। ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, इन सच ए वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन 60% ऑफ सेकंड पार्ट, ठीक है, और आगे कह रहा है कि एंड 80% ऑफ सेकंड पार्ट इज 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट, देन द नंबर इज, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 125, 130, 135, 145, ठीक है। यहाँ पे आपकी दो इक्वेशंस बनेगी, तो सबसे पहले तो जो नंबर आप कोई भी मान रहे हैं उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे आपने कोई भी एक्स वाई जेड नंबर मान लो 100 मान लिया, उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक, एक्स और वाई में उसको डिवाइड कर लिया, तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, 80% ऑफ पहला पार्ट, 80% ऑफ पहला पार्ट हमने माना है एक्स, तो 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60% ऑफ वाई प्लस 3, ठीक है, तीन ज़्यादा है तो आप तीन ज़्यादा उसमें रखेंगे, 60% ऑफ वाई, या तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 80% ऑफ एक्स माइनस 60% ऑफ वाई, इसका दोनों का अंतर क्या है, 3, ठीक है। अल्टीमेटली वही दोनों इक्वेशन सेम बन रहे हैं, अब बाकी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आएगा 4x माइनस 3y इक्वल टू 15। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी 80% ऑफ वाई, जो आपको सेकंड पार्ट में कह रहा है क्वेश्चन के कि 80% ऑफ सेकंड पार्ट, तो ठीक है, सेकंड पार्ट हमने माना वाई इज इक्वल टू 90% ऑफ पहला पार्ट जो कि है एक्स, तो 90% ऑफ एक्स प्लस कितना ज़्यादा बोल रहा है कि 6 मोर है तो प्लस 6, तो 80% ऑफ वाई माइनस 90% ऑफ एक्स इक्वल टू 6 है, ठीक है। आपको यहाँ आप जब सॉल्व करेंगे तो इसको 8y माइनस 9x, दोनों इक्वेशंस को आप जो आपकी इक्वेशन 2 और यहाँ पे 4 लिखी हुई है, दोनों इक्वेशंस को जब 4 सॉल्व करेंगे आप, तो आपका x और y की वैल्यू आएगी 60 और 75, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन से आपको इसको सॉल्व कर लीजिए, 60 और 75 आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमने इसको तो दो पार्ट माना हुआ ना, तो जोड़ेंगे तब तो ये सिंगल पार्ट में आएगा 135, मतलब एक नंबर 135 जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था 60 और 75, जो कि ऑप्शन सी आंसर है।